लाल सागर में हूती के हमलों की वजह से दुनिया की अधिकतर शिपिंग कंपनियों के इस रूट पर अपने कारोबार को स्थगित कर दिया है और ये शिपिंग कंपनियां अब अपने मालवाहक जहाजों को लंबे रास्ते से होकर भेज रही हैं, जिसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। ये रूट अफ्रीका होते हुए जाता है और इस रूट से शिपिंग कंपनियों का माल पहुंचने में 20 दिन का अतिरिक्त समय भी लग रहा है। लेकिन जिस मकसद से इसराइल और पश्चिमी देशों की शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज का रास्ता बदला था, अब ऐसा लग रहा है कि उस पर हूती का ग्रहण लग चुका है। क्योंकि अब हूती के पास लंबी दूरी के हथियार आ चुके हैं, जिनसे वो केप ऑफ गुड होप, अरब सागर और हिंद महासागर में भी इन जहाजों पर हमले कर रहा है। और हूती के पास लंबी दूरी के हथियार जैसे ड्रोन और मिसाइलें आना इसराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। दरअसल पुर्तगाल के एक झंडे वाले कंटेनर जहाज पर एक ड्रोन हमला हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी हूती ने ली है। ये हमला अरब सागर के सुदूर इलाके में हुआ है। दरअसल जिस जहाज पर यह हमला हुआ है, वो जहाज इसराइल की शिपिंग कंपनी एमएससी ओरियन का है, जो यमन के तट से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर था। और ये पहला मामला है जब हूती ने इतनी लंबी दूरी पर किसी जहाज को निशाना बनाया है। और कुछ जानकारों का मानना है कि हूती को लंबी दूरी के हथियार ईरान ने दिए हैं, क्योंकि इससे पहले हूती के पास ना तो सैटेलाइट तकनीक थी और ना ही उसके पास लंबी दूरी वाले ड्रोन थे और ना ही उसके पास लंबी दूर से हमला करने के लिए नौसेना है। और ऐसे में इस हमले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि हूती के पास लंबी दूरी की हथियार कहां से आए। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक यह हमला 26 अप्रैल 2024 को हुआ था। हालांकि इस हमले में जहाज को मामूली नुकसान हुआ था। जहाज के चालक दल को शिप पर ड्रोन का एक मलबा भी मिला था, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी भी क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई है। आपको बता दें कि यह जहाज ओमान जा रहा था। लेकिन इस हमले के बाद से ही ये सवाल उठ रहा है कि यमन के तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक चलते फिरते टारगेट पर हूती कैसे हमला कर सकता है। अभी तक हूती के हमले लाल सागर, एडन की खाड़ी और बाब अल मंडेब तक सीमित थे, जो इंटरनेशनल कारोबार को दो समुद्री रास्तों से जोड़ता है और ये रास्ते यमन के करीब से होकर गुजरते हैं। लेकिन हूती के हालिया हमले के पीछे ईरान को लेकर शक काफी गहराता जा रहा है, क्योंकि साल 2019 में हूती ने सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया था, जिसकी वजह से सऊदी का ऊर्जा उत्पादन आधा हो गया था। और इस हमले के पीछे पश्चिमी देशों के जानकारों ने ईरान का हाथ बताया था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इस हमले में हूती की मदद ईरान ने की है और अब एमएससी ओरियन पर हमले को लेकर भी यही शक गहरा रहा है।